भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट का यह फैसला पूरे तरीके से सही साबित हुआ। आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा नजर थी रोहित शर्मा पर, जिन्हें टेस्ट मैचेस में बतौर ओपनर पहली बार मौका दिया गया था। रोहित शर्मा ने मौके को दोनों हाथों से लपका और मयंक अग्रवाल के साथ टीम इंडिया की पारी को ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे। बता दें आपको कि भारतीय टीम का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका है और अब यह 100 के करीब पहुंच सकता है। आपको बता दें कि शुरुआती एक घंटे में मयंक और रोहित ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन एक बार जब हाथ खुल गए तो उसके बाद दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मयंक अग्रवाल जहां पहले सेशन में 7 चौके और 2-1 छक्का लगा चुके हैं, वहीं रोहित शर्मा 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट भी काफ़ी बेहतर है। यानी कि अगर ये जोड़ी भारतीय टीम के लिए जम जाती है तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में एक और अच्छी ओपनिंग साझेदारी देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा को बतौर ओपनर जो मौका दिया गया था वो उन्होंने दोनों हाथों से लपका है और रबाडा, फिलेंडर, महाराज और पीट जैसे गेंदबाजों को जमकर धुना है। अब देखना है कि रोहित और मयंक की ये जोड़ी और क्या धमाल मचाती है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।